आधा मिनट पूरी खबर में पहली बड़ी खबर हरदा ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और उसका बेटा सुमेश गिरफ्तार हुए हैं और राजगढ़ के सारंगपुर से पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कार से दिल्ली की तरफ दोनों भाग रहे थे और आरोपी रफीक से भी अब पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। हरदा में मंगलवार को हुए भीषण ब्लास्ट में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और उसके बेटे सोमेश अग्रवाल को राजगढ़ के सारंगपुर से गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद दोनों कार से दिल्ली भागने की फिराक में थे। इस दौरान पुलिस ने सारंगपुर के पास घेराबंदी करते हुए नेशनल हाईवे 3 से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपी रफीक से भी पूछताछ में जुटी है। बताते कि हरदा ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई है जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका हरदा, भोपाल और इंदौर में इलाज चल रहा है। इधर हरदा में हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसे ये साफ हो गया है कि हरदा बारूद के ढेर पर बैठा था, आज नहीं तो कल वहां ऐसा हादसा होना ही था। ये रिपोर्ट देखिए। हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ लगभग हर घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम हो रहा था। आसपास के कई घरों में डिब्बों और थैलों में पटाखे रखे मिले, यानी इतने बड़े विस्फोट के बाद भी मौके पर काफी मात्रा में बारूद जलने से बच गया। हादसे के बाद आसपास के घरों में सर्चिंग के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमों ने इन पटाखों को पानी में डालकर निष्क्रिय किया। और आज हरदा दौरे पर जाएंगे सीएम मोहन यादव। घटनास्थल का दौरा सीएम मोहन यादव करेंगे, मृतकों के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात, अस्पताल जाकर घायलों का भी हाल जानेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हरदा जाएंगे। मोहन यादव हरदा में हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे, हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार से मिलेंगे, साथ ही घायलों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले मंगलवार को सीएम मोहन यादव भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने हरदा हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि हरदा हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोगों को इलाज के लिए भोपाल और इंदौर रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हरदा जाएंगे। इससे पहले मंगलवार रात वो भोपाल में भर्ती घायलों से मिले थे। हरदा हादसे पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने गंभीरता से जांच की मांग की है। बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और सब दोषियों को दंडित करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि याद रखा जाएगा। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा।